हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। तो गाइस यार, आपको काफ़ी टाइम से मैंने पटना के बापू टावर के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिखाया था। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहां ये रहा मेरे पीछे बापू टावर, जो कि पूरी तरह से अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बापू टावर के बारे में अपडेट दिखाने वाला हूं, किसकी इनॉग्रेशन कब होगी और कितना काम इसका कंप्लीट कर लिया गया है और क्या कुछ अभी काम बचा हुआ है। और गाइस, बहुत बड़ी अपडेट भी इसके बारे में निकल कर सामने आ रही है कि बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन भी होने वाली है। तो गाइस, क्या कुछ अपडेट है, काम कितना पूरा हुआ है और अभी क्या कुछ होना बाकी है, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वैसे आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हो, ये बापू टावर का जो आपको टावर दिख रहा होगा वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। साथ ही इसके पीछे ये जो बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल फाइनल है, बस इंटीरियर का थोड़ा बहुत काम यहाँ पर होना बाकी है। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, काम कितना पूरा हुआ है, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अभी मैं हूँ गर्दनी बाग के रोड नंबर 15 में और जैसा कि मैंने आपको इस बापू टावर के बारे में पहले कई बार अपडेट दिखा रखा है और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस बापू टावर की इनॉग्रेशन शायद 30 जनवरी 2024 तक कर दी जाएगी। तो गाइज, इसके बारे में ही एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। तो क्या है वो अपडेट, कब से ये बापू टावर चालू होने वाला है, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज, लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बापू टावर आपको अनिशाबाद खगौल रोड पर रोड नंबर 15 के पास देखने को मिलेगा। और लैंडमार्क की बात करूँ तो इस साइड आपको गेट पब्लिक लाइब्रेरी और वहीं इस बापू टावर के राइट साइड आपको GSA फील्ड देखने को मिलेगा। और इन्हीं दोनों के बीच यहां तैयार किया जा रहा है ये बापू टावर, जिसका काम अब लगभग फाइनल हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग आप है ये पूरी तरह से बनकर रेडी है और इसी के अंदर बस इंटीरियर का थोड़ा बहुत काम होना है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर ये जो बापू टावर ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा और इसकी इनॉग्रेशन भी आपको 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। तो क्या कुछ होने वाला है इस बापू टावर में, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 120 फीट ऊंचा देश का पहला ये बापू टावर अपने आप में ही एक नया आइकॉनिक लैंडमार्क होने वाला है, जो कि आने वाले टाइम में बिहार को एक नई पहचान देगा। साथ ही ये टावर दूसरे टावर से भी बिल्कुल अलग होने वाला है। यहाँ कोई स्टैचू वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि इस टावर में बापू के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी सभी स्मृतियों की जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ उनसे जुड़े पूरे इतिहास की जानकारियाँ आप इस टावर में देख पाएंगे। और गाइज, इसके पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ये बिल्डिंग G+6 फ्लोर की होगी, जिसमें बापू के पूरी जीवनी को दर्शाया जाएगा। इस बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में जो एक बड़ी लॉबी होगी, वहां लोगों के लिए बापू और चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ऑडियो वीडियो विजुअल दिखाए जाएंगे। साथ ही इस बिल्डिंग में 200 लोगों के लिए बहुउद्देशीय हॉल, ओरिएंटेशन हॉल रहेंगे। इसके अलावा शोध केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, स्थायी एवं अस्थायी प्रदर्शन हॉल भी बनाए जाएंगे। और गाइज, इन सभी के अलावा यहाँ जो लोग घूमने आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कैफेटेरिया की भी व्यवस्था होगी, जहाँ पर लोग बैठकर आराम से फूड एंजॉय कर पाएंगे। यानी यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बस, कार और टू व्हीलर वाहनों के पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। करीब यहाँ पर एक साथ 250 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। और गाइज, यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे वाला जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इस तरफ वाले हिस्से में आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। वहीं इस बिल्डिंग के पीछे के साइड, यानी ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था होगी। और गाइज, इस बापू टावर और इस बिल्डिंग के अलावा यहाँ आपको एक बड़ा सा पार्क भी देखने को मिलेगा, जो कि ठीक इस G+6 फ्लोर की बिल्डिंग के ठीक पीछे तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं, ये रहा उस पार्क के अंदर जाने का एंट्री गेट। और गाइज, ये तमाम चीज़ें जो आप यहाँ पर तैयार होता हुआ देख रहे हैं, इन्हें पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट कर लिया गया है और अब बस इंतजार है तो इसके इनॉग्रेशन का, जिसे कहा जा रहा है कि 7-10 दिन के अंदर अंदर इसकी इनॉग्रेशन भी कर दी जाएगी। तो जैसे ही इसके बारे में फिर से अपडेट मिलती है, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल आप यहां देख सकते हैं, ये रहा इस बापू टावर के पीछे तैयार हो चुके पार्क वाला हिस्सा। तो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये था यहाँ पटना के गर्दनी बाग में तैयार हो रहे देश का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पटना और बिहार से जुड़ी हुई ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।